प्रदेश भर में आज रात से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले हजारों रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा लंबित वेतन के भुगतान करने और ACP के गलत निर्धारण करने और चालक परिचालक के कार्य निर्धारण सहित अन्य मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे। उधर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि परिवहन निगम के कर्मचारी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवहन निगम की दशा इस समय क्या है। कोरोना काल के दौरान सब कुछ समाप्त सा हो गया था, अब लॉकडाउन हटने के बाद स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं और अभी अनुपूरक बजट में भी मुख्यमंत्री द्वारा उनके वेतन संबंधी बजट जारी किया गया है और सरकार जल्द से जल्द उनकी दिक्कतों को दूर करेगी। लिहाजा इस तरह चक्का जाम या आंदोलन से हल नहीं निकलता है, कर्मचारियों को आपस में बैठकर बात करनी होगी क्योंकि सभी कर्मचारी परिवहन निगम की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। देखिए, हमारे जो परिवहन निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, वो भली भांति भिज्ञ हैं हमारी आर्थिकी, हमारा जो दिक्कतें हैं उससे भली भांति भिज्ञ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका वेतन समय पर मिले। अभी अनुपूरक बजट में भी व्यवस्था की गई है, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष कृपा की है जिससे हम उनको धनराशि दे पाए हैं। समाधान चक्का जाम से और बंद से कोई समाधान होता नहीं है, वो भली भांति हमारी परिवहन निगम की जो भी हमारी इनकम है, जो हमारी आमदनी है, वो इस समय थोड़ी आगे बढ़ी है। लॉकडाउन में हम सब कुछ हमारा समाप्त सा हो गया था, तो मेरा कहना है कि हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। वो भी हमारे एक परिवार के ही हैं और हमारी जिम्मेदारी परिवार के लोगों को तकलीफ होती है तो हम उनको हाथ बढ़ाना चाहिए और निश्चित रूप से जल्द ही जो उनकी समस्याएं हैं उनका बैठकर ही हम उसका निस्तारण करेंगे।